हैप्पी बर्थडे रिद्धि। थैंक यू। चलो बर्थडे गर्ल। चलो। अरे वाह, ये सब ले लिया है। मुंबई से लेकर आई है और सब से साथ में ही लेकर घूम रही है। मैं पहले वो ही खाती हूँ सुबह उठ के। बाय द वे मैं भी रेडी हो चुका हूँ, मम्मी पापा भी नीचे रेडी हो चुके हैं और किधर जा रहे हैं वो आपको बताते हैं, लेकिन अभी विशु रेडी होना बाकी है। नहीं नहीं, विशु भाई रेडी होके नीचे चले गए। हाँ अरे हाँ भाई, कब क्या हो रहा है ना, मेरे को आजकल पता ही नहीं चल रहा। तो चलिए अभी हम भी सामान उठाकर। रिद्धि और कुछ लेना है? नहीं बस। चलो फिर। ये देखो भाई क्या चल रहा है। ये भाई साफ सफाई चल रही है अपने जूतों की। थोड़ा जल्दी पता चलता तो मेरा शूज भी साफ करवा लेता तेरे से। आज वैसे विशु तूने जो कपड़े पहने हैं ना वो पापा को पहनने चाहिए थे, और पापा ने जो पहने हैं ना वो तेरे को पहनने चाहिए थे। हाँ। वो पापा तेरे छोटे भाई लग रहे हैं। पापा है ना हमेशा वैसे ही लगते हैं मेरे भी छोटे। मैं तो पापा से बहुत बड़ा लगता हूँ, पता नहीं क्यों। क्यों ऐसा पापा? मैं छोटा हूँ ना। मम्मी अरे चलो फटाफट। अभी बाल संवारने। अरे सब सवारा सवारा हुआ ही है, चलो फटाफट। रिद्धि दिखा 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 दिखा। रिद्धि ने केविंटस का शेक सुबह सुबह भर लिया है। सुबह सुबह नहीं, मैं कल रात से सब तैयारी करके सोई हूँ। लेकिन केविंटस का शेक वो तो पता, पटेलों में ये गुजराती राब पीते हैं, तो वो राब मैंने भर के रखी मेरे और पापा के लिए। वो किस चीज की बनती है? ज्वार की भाई। अरे ओए ये क्या कर दिया, लिप किस? मम्मी के हैप्पी बर्थडे बोल हैप्पी बर्थडे बोल रहे मम्मी। हाँ लेकिन क्या किया, क्या हरकत क्या की है? अच्छा गाल पे की तो बराबर। चल भाई तू सामान गाड़ी में लगा, देख क्या रहा है मेरी शक्ल में। तू कर चल। अरे किसकी गाड़ी में जाना है? किसकी भाभी का बर्थडे है? चल चल बेटा। किसकी बीवी का बर्थडे है बोल? मेरी बीवी का तो मैं बोल रहा हूँ ना। चल मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, रख दे अंदर। और हमारी गाड़ी भी भाई मस्त चकाचक हो गई है। और वैसे हम आज तीनों तीन गाड़ी लेकर जा रहे हैं, तो ये गाड़ी भी साफ हो रही है, पापा की कार भी साफ हो गई है। पापा अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, विशुस की स्कॉर्पियो लेके आ रहा है, और भाई अपन अपनी अल्टुरस लेके। अभी सब अलग अलग गाड़ी में क्यों जा रहे हैं भाई, वो बात आपको है ना थोड़े आगे जाके पता चल जाएगी। रिद्धि का बर्थडे है ना, तो इसके मतलब हमको तो रीज़न चाहिए ना, तो भाई इस रीज़न से हम इसके वजह से, वैसे हम सेलिब्रेट तो करते नहीं है, तो भाई इसीलिए सोचा कि भाई दो दिन कहीं पर घूम के आते हैं मस्त, और रिद्धि को एकदम फ्रेश कर देते हैं, ताकि पूरे साल मेरे को कम परेशान करे। भाई प्लान में छोटा सा चेंज है, अभी वापस हम घर पे जा रहे हैं, क्योंकि भाई जो तीन गाड़ी लेकर निकले थे ना उसमें से भाई दो गाड़ी पापा की और विशु की हमारे दूसरे घर पे पार्क करनी थी, लेकिन वहाँ पर है ना बेसमेंट में कुछ फायर ब्रिगेड का काम चल रहा है, मतलब तो फायर ब्रिगेड का नहीं, वो फायर वाली जो पानी की लाइन होती है ना उसका ऐसा कुछ, तो भाई वहाँ पर वो लोग गाड़ी नहीं रख पाएंगे, तो भाई वापस इधर आके यही घर पे रख के फिर जाएंगे। घर पे रख दी भाई दोनों गाड़ियाँ और आ गया हमारा बैलू वापस। कैसा मजा आया सुबह सुबह चक्कर काटने में? अरे वहाँ पर वो सब पाइप लगा रहे थे, वो पानी की, वो फायर के टाइम पे वो काम आती है ना, रेड पाइप। पाइप काम आती है, पानी काम आता है? पानी वो, लेकिन वो पाइप लगा रहे थे सारी। और पापा मुंह में क्या है? जुबा केसरी? नहीं नहीं पान है, पान। जुबा केसरी कब का बंद कर दिया भाई? भाभी की बर्थडे की खुशी में पागल वागल तो हो नहीं है ना? पागल तो मुझे होना चाहिए। क्यों? तो क्यों घूमने जाना है? और बाय द वे आज जिस जगह पर जा रहे हैं ना, आज मैं तो लाइफ में फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। मैं भी, मम्मी भी, और भाभी आप? मैं जाके आई हूँ, पर वो वहाँ पे नहीं जाके आई, बट वो जगह पे जाके आई हूँ भाई। अभी आज है ना, चौड़े लोग आगे बैठे हैं और पतले लोग पीछे। खुद को तूने मिरर में देखा नहीं है कौन चौड़ा कौन पतला? नहीं नहीं भाई हम पतले ही है, इसीलिए तो तीन भाई हम आराम से। अगर चलो पापा को मैं पतले में कंसीडर कर सकता हूँ, मम्मी अभी तो बहुत वेट लूज किया, तो मम्मी थोड़ी बहुत पतली वाली डाउटफुल है। क्लास में आ सकती है, लेकिन तू तो दूर दूर तक नहीं आ। अरे वो भाई नहीं भाई नहीं, इसी मेरे और तेरे वेट में 250 ग्राम का डिफरेंस है। अरे तू जा जा जा। तुम लोग आगे चलते थे ना? हाँ? तो मैंने और रिद्धि ने देखा था कि तू भाई से भी थोड़ा मोटा चौड़ा है। इतना भी नहीं, इधर से यहाँ से तो यही चौड़े है भाई। आज मैंने ना बहुत ऐसी वो खुली खुली टी शर्ट पहनी है, इसीलिए भाई इतना चौड़ा दिख रहा हूँ सबको। मम्मी आज की बात नहीं कर रही है, मम्मी उस दिन की बात कर रही है। नहीं 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 नहीं, जब हम गार्डन में वॉक कर रहे हैं। अरे यार भाई अभी क्या करे, अभी वेट बढ़ गया है तो क्या कर सकते है भाई, खाते पीते घर के यही तो निशानी है। नहीं लेकिन घर वाले तो इतना खिलाता नहीं है, तो किधर जाके खा के आता है? मुझे देख, तू मुझे देख, मुझे कहाँ खिला दे। ये देख विशु, संतूर साबुन लेंगे ना तो उसके साथ में ये गाड़ी फ्री आएगी। तो कल से सबके संतूर साबुन फिक्स। पापा तो अभी से शुरू कर देंगे। ये कुछ उल्टा बोला।
जो गाड़ी लेगा ना उसको संतूर साहब उन्हें फ्री मिलेगा। विश्व को वॉशरूम जाना था, उधर गया थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए, रुके और इधर तो देखिए, मेरे को लग रहा है ये साइक्लोन है ना गुजरात में जो आने वाला था, उसकी असर है ना, उसका असर शुरू हो गया लगता है। सही में उसकी असर है। आपको रिद्धि के बाल दिखाता, उससे पता चल जाएगा। रिद्धि रुक जा, तेरे बाल तो कितने उड़ रहे हैं वो दिखा देते। देख साइक्लोन चल रहा है ना इधर। भाई नाश्ता ऑर्डर कर तो दिया है, लेकिन वो आने से पहले ये देखो रिद्धि ने अपना केविन ड्रेस चालू कर दिया। बटर मिल्क होती है और उसके अंदर सब कुछ क्या डाला हुआ होता है, क्या होता है जवार का गुजराती भी समझ में आती होगी ना थोड़ी बहुत, तो भी नहीं आएगी। किस चीज से बना हुआ होता है? अब वो जुआर होती है ना, उसको ऐसे बॉईल करते हैं और रखते हैं और बस उसको डाल देते हैं। हाँ तो बन जाता है। हाँ वैसे ही करते हैं, जुआर को ऐसे बॉईल करते हैं, कंटिन्यू उसको पानी में बॉईल करना रहता है, वो ठीक हो जाता है, फिर फ्रिज में रख देने का, फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा छाछ में डाल के पीने का। अब थोड़ा छोटे है नहीं उस दिन से मम्मी? वो वाला बड़ा है। बड़े, ये छोटे है वो वाले बड़े है। और ये आ गए हमारे गर्मा गर्म समोसे। रिद्धि तेरी बर्थडे की पार्टी सुबह से ही शुरू। मेरी तरफ से मेरे पापा पार्टी दे रहे। अच्छा पापा पार्टी दे रहे। हर वक्त की है ना मेरी परेशानी यही होती है कि एक बार खाने रुकते है ना फिर खाते ही रहते हैं। ये देखो, ये देखो, चलो ये तो ठीक है, पानी पी रहा है। और रिद्धि तूने क्या कांड किया, दिखा तो जरा। मैंने कुछ देखा, ये विशु भाई ने वहाँ प्लेट रखी थी। अच्छा विशु भाई ने प्लेट रखी, लेकिन दिखा दिखा एक मिनट एक मिनट। ये देखो भाई, ये तो मैंने अभी साफ किया तो ये चटनी निकल गई। और ये देखो पूरे कपड़े चटनी चटनी, और मेरे बैग में भी थी भाई ने साफ किया वो। चलो अभी कपड़े चेंज करने। हम साथ साथ। ये देख ये पूरा ये निकल गया, फाड़ दिया पूरा। बस ये मैं बंद कर दूंगा, तू जा। हाँ जाओ। किसी का फोन आ रहा है। और कसम खा के तो दूसरे वाले कपड़े गंदे नहीं करेगी। नहीं करूंगी। पीछे अगर हाँ, दो बोतल है ना पीछे। हाँ दो बोतल पीछे। चलो भाई फाइनली छोटी बच्ची को कपड़े चेंज करवा दिए, क्योंकि आज ही पैदा हुई है ना। तो ये सब वो क्या बोलते हैं उसको, दौड़ फोड़ करती रहती है। और ये हमारा रूठा हुआ बड़ा बच्चा, सॉरी ये हमारा रूठा हुआ और एक छोटा बच्चा। तो विश्व को पता नहीं कौन सी बात का बुरा लग गया है, वो कब से बात नहीं कर रहा है मेरे से। उसको नींद आ रही है। नहीं नींद नहीं आ रही है उसको, पता नहीं उसको क्या खुजली मची है। क्या आप उनको डांटे इसके लिए? काम ऐसा करेगा तो डांटना ही पड़ेगा ना। उसमें उनकी गलती भी नहीं थी एक्चुअली। हां उसमें उनकी गलती नहीं थी, आपने उनको ऐसे ही डांट दिया। वाह वाह वाह। लैपटॉप बैग के ऊपर किसने ये ट्यूब रखी इतनी बड़ी? लैपटॉप भी नहीं, उसमें क्या मैंने बोला था। अरे क्या बार बार बोला था ये, अगर ट्रिप पे जाते एक्सेप्ट कर भी। मेरी बात सुन, अगर बाहर निकलते इतना सारा सामान है ना तो ऊपर नीचे होता रहता अरे है। लेकिन नीचे रख देने का मैंने क्या बोला कि वो नीचे रखने का, ऐसा बोला। ये बहस कर रहा है मेरे से। तू सो जा भाई, बस जाने तू। एक घंटे से बैठा हूँ। दरवाजा तो बंद करो। ये अभी है ना हमारे घर वाले सब गाली गलौज पे उतर आए। वो होटल का नाम सामने है, होटल ले नंदिनी। मम्मी तू क्या बोल, रिद्धि क्या बोल रही है मम्मी? मम्मी ने बोला ले नंदनी। नंदनी बोला, आपने कुछ उल्टा समझा। नहीं चलिए भाई, ये लोगों का चलता रहेगा सीट बेल्ट, देखा ना मैंने बोला ना चलता रहेगा ये लोगों का। और भाई ऐसा है ना हर जगह रुकेंगे ना तो भाई पहुंच पाए हम, क्योंकि भाई दो मिनट के काम के लिए रुकते है ना और फिर एक आध घंटा लग जाता है। अभी गाड़ी सीधी फाइनल डेस्टिनेशन पर रुकेगी, ठीक है? हाँ जो बोले है ना, हाँ हाँ वो लोग ये भी रुकाएंगे आगे। पी करनी है, पानी पीना है, वैसे पानी तो ले लिया है, लेकिन अगर सुसु ब्रेक होगी तो रुकेंगे, बाकी खाना पीना अभी कुछ भी नहीं है। भाई असली मजा तो है ना ये कुत्ता कर रहा है। ये देखो आपको दिखाता हूँ, आगे जो इको चल रही है ना उसके अंदर देखिए, ड्राइवर की साइड से मुँह निकाला है थोड़ा थोड़ा बाहर, पता नहीं आप देख पा रहे हो नहीं, लेकिन भाई वो असली मजे कर रहा है। कभी ये खिड़की से मुंह निकाल रहा है, कभी ये खिड़की से निकाल रहा है। ए विशु देख, वे टू दमा। हां अब आएगा ना असली मजा। अबे भाई तुझे क्यों आएगा मजा? अरे आप लोगों को ले जा रहा हूं इससे, इसलिए सॉरी, इससे क्या, इसलिए असली मजा तो पापा के है। नहीं पापा हाँ अब हम खाएंगे खमन। भाई देखो है ना दमन वैसे बहुत अच्छी जगह है, आजकल तो भाई बहुत सुंदर बना दिया है दमन को, लेकिन ये है ना एक मतलब एक चीज के लिए है ना ये बदनाम हो चुका है गुजरात में, क्योंकि भाई गुजरात में एक ही जगह पर अल्कोहल सब होता है, यहाँ पर
एक ही जगह, मतलब वैसे तो दो तीन जगह है जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, वहाँ सब जगह मिलता है, लेकिन भाई इधर मोस्टली ना सब लोग दमन याने भाई पीने के लिए ही आते हैं। अभी अपना ऐसा काम नहीं है आज, लेकिन फिर भी अभी किसी को बोलेंगे ना कि दमन जा रहे हैं तो सब लोग दमन मतलब वैसे ही समझेंगे। लेकिन भाई अपने को तो भाई ये सब चीज़ों की ज़रूरत है नहीं, वो सब तो करते ही नहीं, लेकिन हम आए इधर मज़े करने के लिए, क्योंकि भाई बीवी का बर्थडे है तो दो दिन फैमिली के साथ मज़े करेंगे। भाई ये देखो दमन के मज़े, अभी इधर से लेफ्ट मारेंगे तो आ जाएगा देवका बीच। भाई अभी तो मैप में दिख रहा है बीच आगे, लेकिन अभी हमको नहीं दिख रहा है। नहीं वो आगे से, इधर से लेफ्ट नहीं, आगे से भाई इधर तो देख सीधा जाएंगे तो समुंदर आ जाएगा। ओ विशु ये रहा समुंदर। हाँ ये रहा, ये देखो समुंदर, ये पेड़ों के पीछे बहुत सारा पानी है। और ये देवका बीच रोड पर आ गए, वो वाला वो रोड किधर है विशु? कौन सा? अरे वो जो बनाया है वो वाला। हाँ वो अभी आएगा, लेकिन भाई ये क्या रोड है, मस्त मस्त लग रहा है ना, साइड में समंदर, इधर गाड़ी बस चलाते रहो। और वेदर भी मस्त है भाई, धूप नहीं है। धूप ही नहीं है आज है ना, ये साइक्लोन वाइक्लोन की वजह से ना वेदर पूरा वो क्या बोलते हैं उल्टा सुल्टा हो रखा है। अभी पूरे बादल है, ये देखो अभी धूप आई ना 2 मिनट में चली जाएगी। ओ भाई साहब क्या मजा आ रहा है इधर। अरे मैं ये वाला रोड बोल रहा था, देखो यहाँ से कैसा समंदर सामने दिख रहा है और ये क्या रोड बनाया है ये देखिए। लेकिन अभी हमको जाना है, हमने जिधर क्या बोलते हैं रिजॉर्ट किया है वो थोड़ा आगे है, तो हमको इस साइड जाना है। लेकिन भाई ये क्या सही है, वो भाई साहब लगता ही नहीं कि हम इंडिया में है। ये रिक्शा की वजह से सब पता चल जाता है, बाकी इंडिया से बाहर ही लगता है ना भाई। इधर तो मजा आएगा भाई, 2 दिन है हम इधर। अरे पब्लिक इतनी चुप क्यों है, आपको नहीं मजा आ रहा? अरे आजू बाजू देख रहे हैं इसलिए भाई हम कुछ बोल नहीं रहे हैं। मजे लूट रहे हैं। हाँ क्या लूट रहे हो? मजे किसके पास से? दरिया के पास से। अभी हम पहले रिजोर्ट पहुंच जाते हैं भाई, चेक इन वेक इन कर लेते हैं, उसके बाद आपको पूरी रूम टूर भी करवाएंगे और फिर जो भी मजे करेंगे वो भी करवाएंगे। आ गए भाई हमारी डेस्टिनेशन पर, एंट्री हाँ इधर से ही है। अरे भैया इतने बजे गाड़ी नहीं आएगी, कोई खोलो। अरे किसने खोला? ऑटोमेटिक खुल गया, वाजी वाह। हम चेकिंग प्रोसीजर खत्म कर रहे थे और सामने देखो क्या हुआ। ओ भाई साहब, मम्मी पापा दृष्टि ओम सब आ गए इधर। अरे वाह भाई ये तो सरप्राइज हो गया हम सबके लिए। वैसे रितिक को ना कल से डाउट था, क्या मुझे दामोदर दास मम्मी जैसे कृष्ण भाई, ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज हो गया हम सबके लिए। आकाश मैंने कल बोला था ना आपको, रिद्धि को डाउट था कि ओम शायद आएगा। डाउट नहीं मुझे फुल क्लियर था। तू है मने ना कि तू आप ना चीटिंग कर रही है। जब भी प्लान करते हैं ना तभी फ्लॉप हो जाता है, इसके लिए किसी को नहीं बोला। बिना बताए अभी सब अपने अपने रूम में जा रहे हैं भाई, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे उसके बाद फिर। मम्मी देखो इसकी खुशी नहीं कम हो रही है, क्यों इतनी खुश क्यों हो रही है? भक्ति व्यंजन मिले मुझे। अरे वाह दोनों मम्मियाँ मिलकर भाई। हाँ, दोनों मम्मियाँ मिली आज बहुत टाइम के बाद। और भाई यहाँ से क्या बढ़िया सा व्यू है, यहाँ से पूरा बीच दिखता है और वहाँ पर स्विमिंग पूल है। आज तो रिद्धि को दोनों पापा, दोनों मम्मी, भाई भाभी सब मिल गए। ये देखिए बैठे मम्मी पापा। वाह रिद्धि आज तो मजे हो गए तेरे, फुल मजे आज तो मेरे बर्थडे है मेरा। अभी यहाँ से प्रॉपरली व्यू दिखता है, यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। और भाई साहब इन्फिनिटी पूल है यहाँ पर और वहाँ से सीधा समंदर, ओए होए होए मजा आ जाएगा। वैसे वहाँ पर है ना वो जो देवका बीच वाला जो रोड है ना वो है, वो मेरे को आपको दिखाना था, वो बहुत ही सही है। तो वहाँ पर देखो ये कैसा बहुत बढ़िया सा बना हुआ है। ये मम्मी पापा का रूम है, मम्मी पापा और विशु का। हाँ विशु को कितना बोला कि हमारे साथ आजा, लेकिन पता नहीं उसको इधर ही रहना। नहीं नहीं भाई मम्मी पापा के साथ रहूंगा ना। आपको रूम टूर करा देता हूँ पहले। वैसे हमारा दोनों रूम का भाई सब सेम ही है। ये देखिए यहाँ से एंट्रेंस है ये वाले डोर से और यहाँ पर, अरे ये खुल क्यों नहीं रहा मम्मी? अंदर से लॉक होगा, मैंने लॉक किया। ओह ऐसा किया तो देखो ये रूम, ओए होए क्या बढ़िया सा रूम है। आज मैं ओए होए ज्यादा नहीं बोल रहा कुछ हो रहा है थोड़ा चलेगा। यहाँ पर बाहर बालकनी है वो भी दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर। लेकिन विश्व हमको सी व्यू क्यों नहीं दिया वो समझ में नहीं आया भाई, उसके लिए थोड़े ज्यादा पैसे लगते हैं। अरे लेकिन बुक करते वक्त ऑप्शन ही नहीं था उसका। हाँ शायद वो बुक हो चुके होंगे ऑलरेडी सारे। लेकिन ये भी भाई सही है। और वो जो डोर बताया ना आपको बाथरूम में, वहां से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। ओ कितना बड़ा बाथटब,
वाह वाह भाई, देखो यहाँ से भी जा सकते हैं बाथरूम में। और ये दो दो क्यों दिया है वो मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया, दो क्यों होता है विश्व एंट्रेंस इधर से उधर से। और ये आ गया हमारा रूम। अरे नहीं जा रहे उसमें से, मैंने एक था ये। इधर भी सेम टू सेम है, इधर से भी डोर है, ये वाला बाथटब, यहाँ से सब खुला है अभी तो, यहाँ से भी आ सकते हैं। और ये पूरा का पूरा रूम से मेरी थी, ये लाइट कहाँ से चालू होती है, होगी हो गई ना। हाँ अभी की अभी तो, बस अभी थोड़ा हाथ मुंह धो लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं और फिर चलते हैं सीधा नीचे रेस्टोरेंट में लंच के लिए, क्योंकि वैसे तो हमारा लंच का कोई प्लान नहीं था, लेकिन आज सब इकट्ठा हो गया ना तो अभी सबका मूड बन गया कि भाई लंच करते हैं साथ में। मुंबई से रिद्धि के लिए स्पेशल केक आया है। खोल दिखा क्या लाया है मम्मी पापा और सोनू। सोनू रिद्धि को घर पे सोनू बोलते हैं। अरे वाह 31 साल की हो गई सोनू। पापा और विश्व आ रहे हैं अभी, मस्त सबने खाना खा लिया, अभी सब अपने अपने रूम में जाके रेस्ट करेंगे। भाई हमारा रूम का एक छोटा सा अपडेट है, अभी विश्व उसका बिस्तरा पोटला लेके इधर आ गया है। तो अभी विश्व लेकिन सोएंगे किधर, हम तीन लोग इधर आ जाएंगे। नहीं नहीं तो विश्व नहीं आए, हमने उनको जबरदस्ती लेके आए। अरे वो तो पता है हम, लेकिन सोएंगे कैसे, कैसे सोएंगे पता है, इधर आप इधर विश्व भाई और वो जो बैठे ना उसको मैं यहाँ पे कहता हूँ मेरा तो बेस्ट ये है। ये इतने में ये छोटा नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं उसमें ये सोफा है ना उधर चिपका देंगे तो फिर वो बड़ा हो जाएगा। नहीं वो है ना वो बेड मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ यहाँ पे। भाई जो भी हो जैसा भी हो लेकिन हम सेट हो जाएंगे। और अभी ओम और दृष्टि भी भाई, उन लोगों को दोपहर में थोड़ा रेस्ट करने की आदत है तो आधा पौना घंटा बोल के गए, अभी पता नहीं आधे पौने घंटे में आएंगे या नहीं, लेकिन वो जैसे ही रेस्ट करके ऐसे स्फूर्तिला वो महसूस करेंगे तो तुरंत आ जाएंगे। वैसे वैसी आदत मेरी भी थी बड़ी, यहाँ पे मैं जोशी फैमिली में आई ना तो मेरे को चली गई दृष्टि, वहाँ पे अपनी मम्मी के घर पे बिल्कुल नहीं सोती थी और यहाँ पे तो उसको अभी दोपहर को 2-3 घंटा सोने चाहिए। मतलब लड़कियां जैसे ससुराल में जाती है ना वैसी आदत हो जाती है। और खैर वो लोग तो अभी रेस्ट उनका लेकर आ रहे हैं, तब तक हम सोचते हैं क्या करें कुछ मजेदार कि एक दूसरे के साथ मजा आए। अरे मैं अभी कॉल करने जा रहा था लेकिन ये देख रिसीवर हाथ में आ गए। मतलब केवल हाँ ठीक है तो सही ना, देख तो डायल टोन आ रहा है, आ रहा है आ रहा है तो सही है फिर। बस बस अभी बंद कर दे भाई। लेकिन क्या मंगवा क्या रहा है तू? अरे नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग बहुत सीधे बच्चे हैं। ये पानी की बोतल है, ये पानी है जो ये लोग देते हैं और कुछ नहीं है। अभी हम स्विमिंग पूल पर आए यहाँ पर, लेकिन देखिए ऑलमोस्ट 6:45 बज गए फिर भी यहाँ पर कितनी धूप है और बैठने की सारी जगह पर धूप ही है। हम सब पूल में आ गए लेकिन दृष्टि को नहीं आना है तो वो ब्लॉक कर रही है, उसको कितना भी बोला हम लोगों ने लेकिन वो नहीं आ रही। दृष्टि आ तू बोलता नहीं, दृष्टि नहीं मैं अभी नहीं आऊंगी, मैं कल आऊंगी। भाई इधर पूल में मजा बहुत आया एंड में, लेकिन भाई 7 बजे इनका पूल बंद हो जाता है तो ये एक बात थोड़ी कम पसंद आई ना, क्योंकि 6:30 बजे तक तो धूप थी। हाँ 6:30 या क्या 6:45 बजे तक इधर तो धूप आ रही थी और जैसे ही धूप गई ना भाई इन लोगों का पूल का टाइम खत्म हो गया। लेकिन भाई अभी इधर का जो व्यू है ना, अभी जो दिख रहा है ना आपको सही में बहुत अच्छा लगेगा है ना। ये देखिए और ये देखिए हमारी पूरी टोली इधर खड़ी रहकर व्यू का मजा ले रही है। क्या कर रहा है विशु भाई? वीडियो निकाल रहा हूँ। जवान अंदर डाल। मस्त है मस्त है मस्त है, मजा आ गया। अभी हम लोगों ने सबने डिनर कर लिया और ये दीव का बीच का रात को भाई व्यू देखने के लिए निकला है और ज्यादा कुछ बता नहीं पाया क्योंकि भाई फैमिली के साथ थे ना आज, तो भाई इतना टाइम सबके साथ बातें करने में गया ना कि बीच बीच में व्लॉग करना भी भूल गया। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही रखते हैं, अभी कल भी इधर है और परसों इधर से निकलेंगे तो भाई कल का भी व्लॉग आप देखना। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताना और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं आपको कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय।